गोरखपुर के महेवा वार्ड स्थित कान्हा उपवन से सटे नगर निगम की सरकारी जमीन पर वार्ड के ही भाजपा पार्षद रामभुआल कुशवाहा द्वारा किए गए कब्जे को नगर निगम की टीम ने बुधवार दोपहर ध्वस्त कर दिया। नगर निगम की जमीन पर हुए कब्जे के खिलाफ कार्रवाई का किसी ने विरोध नहीं किया, जबकि पार्षद ने गेट पर न्यायालय के में मामला चलने का बैनर लगाया था, लेकिन अफसरों ने बैनर उतार कर रखने के बाद गेट के साथ ही पूरा निर्माण ध्वस्त करा दिया। नगर निगम की टीम को कब्जे में की जमीन तक पहुंचने के लिए कान्हा उपवन की बाउंड्री तोड़नी पड़ी। ये बाउंड्री कान्हा उपवन के निर्माण के समय अफसरों को गलत जानकारी देकर करा दी गई थी। बताया गया था कि नगर निगम की जमीन वहीं तक है, तब अफसरों ने भी इसकी पड़ताल नहीं की और पार्षद ने जिस तरह बताया उसी तरह बाउंड्री तैयार कर दी गई। नगर निगम की टीम कब्जे वाले कान्हा उपवन की जमीन पर पहुंची तो वहां लोहे के गेट पर बैनर लटका मिला। इसमें लिखा था, यह संपत्ति भाजपा पार्षद की है, इस संपत्ति के संबंध में दीवानी न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। लेकिन मौके पर कोई नहीं था। गौरतलब है कि 28 अक्टूबर को कान्हा उपवन पहुंचे मंडलायुक्त जयंत नालीकर, डीएम के विजयन पांडियन और नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कब्जे किए गए जमीन की पड़ताल की। कमिश्नर के आदेश पर कब्जा किए गए जमीन की पैमाइश की गई, जिसके बाद बुधवार को नगर निगम की टीम ने जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त द्वितीय अनिल कुमार सिंह ने कहा, ये तालाब पे रुकती है, ये इससे 14 मीटर उधर जमीन है अपनी, तो ये रास्ता निकल गया है उस जमीन के जाने के लिए, वो रास्ता दे दिया गया। चलिए कोई मकान है तो रास्ता है, तो मकान वहाँ तक ना है, ये तो मकान नहीं है, उस मकान के पीछे से तो पूरा खाली है, पूरा खाली करा हुआ, 14 मीटर चौड़ा रोड उस जमीन पे जाने के लिए छोड़ा गया। वहाँ कितने जमीन छूटा हुआ है? वहाँ लगभग अपनी जमीन है उस दिन आती हुई थी 96 एक एकड़, एक एकड़ जी, एक एकड़ 4,040 के अंदर एक एकड़ मिल रहा है। और इधर भी पूरी हो जब इसका एकदम 25 अलग अलग है क्या? पानी का अंदर वो नहीं जा रहा। कितने पत्र जो है सर हमने कृषि को भेज दिया था, सारे मिट्टी हम लोग अनयूज्ड पड़ा है, सारे उठा के लिए खराब है। हेलो हेलो यार, पानी वाला दिखाओ।
देखिए, कान्हा उपवन के पीछे एक सरकारी जमीन नगर निगम की जमीन पे अवैध कब्जे की शिकायत संज्ञान में आई थी। उसका संज्ञान लेने के बाद आयुक्त महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें राजस्व विभाग और नगर निगम की टीम ने संयुक्त रूप से स्थल पर चिन्ह कर ये पाया कि इस पे लगभग 47 डिसमिल यानी करीब आधा एकड़ भूमि पर, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा है, जिसकी मार्केट के हिसाब से कॉस्ट इस समय 7 से 9 करोड़ के रुपये होगी। आज चिन्हांकन करने के उपरांत ये पाया गया कि जमीन पर अवैध कब्जा है, उसको हटाने की कार्रवाई करनी है। आज पुलिस प्रशासन, नगर निगम की टीम, जिला प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा स्थल पर आकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। आपने देखा होगा यहाँ पे स्थल पे एक पक्का स्ट्रक्चर, टीन सेट, पानी के पाइप और बाउंड्री वॉल, इस सबको ध्वस्त करा के जो सामान मिला है उसकी इन्वेंट्री बनाई जा रही है, सरकारी कब्जे में ले लिया गया है। शासन प्रशासन के निर्देश पे, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पे एंटी भू माफिया का चल ही रहा है अभियान। भविष्य में इस पर कब्जा ना हो उसकी कार्रवाई की जाएगी। अपनी बाउंड्री वॉल बनवाने के बाद अपने प्रयोग के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, कान्हा उपवन की जमीन को और प्रयोग में इसको लाया जाएगा। भविष्य में भी अगर कोई इस तरह की कार्रवाई होगी, कहीं अतिक्रमण पाया जाएगा, तो नगर निगम कार्रवाई करेगा, किसी प्रकार से अतिक्रमण होने नहीं दिया जाएगा। तथ्यात्मक है और इसके संज्ञान में है, उनके विरुद्ध भी एंटी भू माफिया के अंदर कार्रवाई अतिशीघ्र की जाएगी। यदि भविष्य में पुनरावृत्ति होती है, कोई दोबारा कब्जा करने की कार्रवाई होती है, तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, एक बैनर लगाया गया था, मामला विचाराधीन है, नगर निगम और सरकार से इसका चल रहा है।
ये केवल एक बैनर था, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सरकारी ज़मीन पे कोई माननीय न्यायालय का स्टे है या कुछ है। ये तथ्य है, तथ्यात्मक बात है कि ज़मीन सरकारी ज़मीन है, इसका चिन्हांकन कर लिया गया, अपने रिकॉर्ड्स की तस्दीक कर ली गई, उसके बाद हमने कार्रवाई की। धन्यवाद।